नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन चौहान फ्रॉम योर डोरस्टेप योर इंडियन लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड हाउसकीपिंग सर्विस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं वीडियोस बनाता रहता हूं लोगों को अवेयर करने के लिए। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था मुझसे कि मैं एक जीएसटी के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ, तो आज की वीडियो मेरी जीएसटी के ऊपर ही है। मैं आप इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन किन लोगों को चाहिए होता है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी व्यक्ति जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो उसे सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो जीएसटी के दायरे में आता है या नहीं आता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स मतलब सामान, सामान मतलब माल। तो हमने गुड्स को डिफाइन किया, कोई भी चीज जो कि सामान हो, जो कि हार्डवेयर हो, हमारे क्लोथ हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गई, बाइक्स हो गई, या किसी और तरह की शॉप जिसके अंदर हम सामान बेच रहे हैं, मतलब गुड्स। अब बात करते हैं सर्विस। सर्विस मींस सेवा। सेवा मतलब कोई डॉक्टर सेवा दे रहा है, कोई एडवोकेट सेवा दे रहा है, तो ये हो गया हमारा सर्विस। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो इंडिया में 2017 में आया। उससे पहले अगर कोई भी व्यक्ति कोई गुड्स बेचता था तो उसे वेट देना पड़ता था, टैक्स के रूप में वेट देना पड़ता था। और अगर कोई व्यक्ति सर्विस सेल कर रहा होता था तो उसको देना होता था सर्विस टैक्स, ठीक है। लेकिन और आपने अनुभव भी किया होगा, अगर आप दिल्ली से एक ब्रेड का पैकेट खरीदे तो उसकी कीमत होती थी 10 रुपए, और वही आप यूपी में जाके खरीदे तो 12 रुपए, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग अलग टैक्स था। कोई कुछ वेट ले रहा है, कोई कुछ सर्विस टैक्स ले रहा है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने वन टैक्स वन नेशन, दिस इज कॉल्ड जीएसटी, वन टैक्स वन नेशन, ठीक है। तो इसको कहते हैं जीएसटी। अब किस व्यक्ति को जीएसटी चाहिए, ठीक है, अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूं तो क्या मुझे जीएसटी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर सपोज मैं अपना एग्जांपल देता हूं, अगर मैं कंपनी चला रहा हूं और मुझे जीएसटी नंबर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये बताएगी मेरी आय, मेरी कमाई, मैं कितना कमाता हूं। अगर मैं 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर है, मतलब लेन देन कर रहा हूं, ठीक है, और अपनी अपनी स्टेट में, मतलब जैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मैं अपनी स्टेट में ही 20 लाख रुपए का लेन देन कर रहा हूं, मतलब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और टोटल 20 लाख रुपीस या 20 लाख रुपीस से ज्यादा है, तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। लेकिन जो मैं सर्विस दे रहा हूं वो सर्विस मैं दिल्ली के बाहर भी दे रहा हूं, मैं रहने वाला दिल्ली का हूं लेकिन मैं दिल्ली के बाहर भी दे रहा हूं, चाहे मेरा टर्नओवर 1 रुपए का ही क्यों ना हो। मींस अगर मैं 1 रुपए भी कमा रहा हूं या अगर मैं दिल्ली के बाहर कोई भी सर्विस बेच रहा हूं तो मुझे जीएसटी नंबर मेरे पास होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी स्टेट के अंदर बिजनेस करता है और उसका बिजनेस 20 लाख के अंदर लेन देन है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 20 लाख के अंदर, ठीक है, 20 लाख से कम है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं चाहिए, और 20 लाख से ऊपर है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, या 20 लाख है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल चाहिए। और वही व्यक्ति अगर वो आउट ऑफ स्टेट बिजनेस कर रहा है, ठीक है, दिल्ली से बाहर, जैसे मेरा एग्जांपल, अगर मैं दिल्ली से बाहर बिजनेस कर रहा हूं या आप अपनी स्टेट के बाहर बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप 1 रुपए का बिजनेस भी करेंगे तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा। तो ये था कि किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है और किसको नहीं लेना है। अब हम बात करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, एक होते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट और एक होते हैं आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कोई भी, जो भी व्यक्ति बिजनेस चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, चाहे वो शॉप है या कोई कंपनी है, चाहे वो एक्स वाई जेड कुछ भी है, हमेशा उसके पास उसका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा। अगर उसका बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस है तो वो सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, या पार्टनरशिप हो सकता है। चलिए मैं एक ही चीज, एक ही बारे में सारा डिस्कस कर देता हूं। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले हमें पर्सनल डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक मेरा पैन कार्ड एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है, वो मुझे देना होगा, मुझे अपना आधार कार्ड देना होगा, ठीक है, और मुझे अपना एक एड्रेस प्रूफ, जिस एड्रेस पर मैं रहता हूं, एड्रेस प्रूफ, ठीक है, और आइडेंटिटी प्रूफ। तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड मैंडेटरी है, प्लस हमारे पास एक एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, हम कुछ भी लगा सकते हैं। ये हो गए मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट या हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं कंपनी डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर आपकी कंपनी सोल प्रोप्राइटर है तो आपके पास एक बिजनेस का पैन कार्ड होगा, वो देना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस रेंट पे है, आप रेंट पे अपने बिजनेस को चलाते हैं, तो एक डीड होगी, मींस एक कॉन्ट्रैक्ट आपने अपने मकान मालिक के साथ या बिजनेस ओनर के साथ, जो जिसका स्पेस है उसके साथ कर रखा होगा, वो उसकी कॉपी लगेगी। तो रेंट एग्रीमेंट प्लस आपका वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा,
ठीक है, तो ये हो गया आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट और बिजनेस डॉक्यूमेंट, इसके बिहाफ पे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं। इन शॉर्ट में छोटी सी लाइन इसको खत्म करना चाहूंगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हमारा वेट और सर्विस टैक्स को मिला के एक मर्ज करके एक नया टैक्स बनाया गया जिसे जीएसटी कहते हैं, जो कि पूरे भारत के लिए समान है। अगर कोई भी व्यक्ति जो कि 20 लाख से कम जिसका बिजनेस है वो उसे जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, और 20 लाख से ऊपर उसका अगर बिजनेस है और वो सेम स्टेट में बिजनेस करता है तो उसे जीएसटी लेना है, या फिर वो दूसरी स्टेट में बिजनेस कर रहा है तो उसे जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है। धन्यवाद फ्रेंड्स, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप उसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मेरा नंबर और हमारी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या अगर आप अपना जीएसटी नंबर बनवाना चाहते हैं तो बहुत कम शुल्क पे आप हमसे सर्विस बुक कर सकते हैं। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, शाबाश।